नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश में फिल्मों का सफर। तो हम सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी तो थी कि प्रकाश झा जब से फिल्में बनाने लगे मध्य प्रदेश में तो किन्होंने बनवाई होगी, कहाँ लोकेशन लिया होगा, किन्होंने शूटिंग में हेल्प की होगी, लाइन प्रोडक्शन किसने किया होगा, कौन कौन सी लोकेशन है मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ शूटिंग हुई होगी, कौन कौन सी कास्टिंग हुई थी। तो आज मैं आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ हमारे मध्य प्रदेश की शान, जो मोस्टली 2009 से लगातार फिल्में यहाँ पे शूट करवा रहे हैं लाइन प्रोडक्शन में, झील प्रोडक्शन सर, झील एंटरटेनमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम से वो कंपनी है, रजिस्टर्ड है, और वो लगातार लाइन प्रोडक्शन कर रही है हमारे भोपाल में। और उन्होंने मोस्टली 191 फिल्में और सीरियल शूट करा चुके हैं अपने मध्य प्रदेश में। तो आइए विस्तार से जानते हैं जुल्फिकार सर और उनके बेटे जैद सर और जुहे वाली जो इनके बड़े भाई हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अपने इस इंटरव्यू में। तो सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड से सर, आप लोगों का इस लाइन में आना कैसे हुआ? वो मेरा हुआ क्या कि मैं किसी ने मुझे प्रकाश झा से मिलवाया जी। उन दिनों प्रकाश जी यहाँ आए हुए थे, भोपाल में लोकेशन देख रहे थे और मतलब फाइनल किया था कि भोपाल करेंगे जी। वो कुछ लोकेशन उनकी नहीं हो रही थी लॉक, तो उसके लिए घूम रहे थे। फिर मुझे मिले, फिर मैंने उनको वो सारी जो लोकेशन जिनके लिए परेशान हो रहे थे, फिर वो लॉक हो गई। उसके बाद उनको मुझसे ऐसा लगाव हो गया कि फिर वो जो 2009 से लेके 8 से लेके और आज तक वही बराबर बना हुआ। मैंने उनकी लगभग 7 फिल्में की हैं और शुरू में तो दो तीन फिल्में अकेले ही करी, क्योंकि फिर ये मेरे बेटे दोनों को इंटरेस्ट हुआ इन लोगों ने। जो बड़ा वाला बेटा था वो तो डायरेक्शन में राजनीति से असिस्ट हो गया था उनका, फिर ये जैद भी हो गए। फिर जैद ने कंपनी बना ली और फिर इन लोगों ने शुरू किया जिस काम को मैंने बेकायदा शुरू किया था, इन लोगों ने उसको बाकायदा सिस्टम से शुरू किया। आपके उत्तराधिकारी हैं, आगे उसको कंटिन्यू नहीं रखा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई क्या की और इस लाइन में आपका कैसे रुझान हुआ? देखिए, जैसे कि पापा ने बताया कि हमने जब देखा पहले राजनीति फिल्म भोपाल में शूट होने के लिए, प्रकाश जी आए थे, लोकेशंस देख रहे थे, तो मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी कि यार ये लोकेशन के लिए किसी के पास जा रहे हैं, इनको आर्टिस्ट चाहिए ये कहीं जा रहे हैं, इनको परमिशन करवाना है ये कहीं और जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कितनी परेशानी उठा रहे हैं। तो हमने क्या करा कि सब चीज़ों को जब मैंने कंपनी फॉर्म करी झील एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्चुअली प्रकाश जी ने ही बोला था कि आप लोग प्रोडक्शन क्यों नहीं फॉर्म कर लेते हैं। तो फिर उस टाइम पे 2008 में 26 जुलाई को हमने एक कंपनी बनाई झील एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर में हमने जितनी भी उनकी होटल, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, जनरेटर से शुरू होते हुए उनकी लोकेशंस, उसकी परमिशंस, देन आर्टिस्ट जितने भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट, मतलब एक कील से लेके एक एरोप्लेन तक कुछ भी उनको चाहिए तो वो हमने एज ए सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन देना शुरू किया उनको। और उसका वो चीज़ लोगों को पसंद आई, एक एक्सपेरिमेंट था, लोग बोलते थे यार पागल हो, ऐसी कंपनी बना रहा हो, कौन आएगा भोपाल शूट करने जी जी। लेकिन वो इत्तेफाक के साथ साथ एक मेहनत का भी असर रहा जी। बाकी पापा की सब पहचान थी यहाँ पर, हमें तो कोई जानता नहीं था उस टाइम पर, मैं 18 साल का था और मेरे बड़े भाई थे वो 19-20 साल के होने वाले थे। तो हम लोगों ने मिलके ये शुरू किया और आज अच्छा कर रहे हैं बड़े। अरे वाह, तो आज बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आप लोग की जो टीम है उसमें कौन व्यक्ति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है? देखिए, हम लोगों ने वैसे तो देखिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी निभाते हैं, लेकिन फिर भी अगर डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं तो मेरे जो बड़े भाई हैं जुहेब भाई, उनका काम रहता है पूरी तरीके से फाइनेंशियल और मैनेजमेंट का काम पूरा देखना, कौन कब आएगा, कहाँ जाएगा, किसको कितने पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह, वो सब डिसीजन वो लेते हैं। मैं क्रिएटिव साइड में ज़्यादा रहता हूँ, मैं लोकेशंस, कास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो उनको ओवरव्यू मैं करता हूँ। तो और बाकी हमारे वालिद साहब हैं तो इनका पूरा, इनका ऊपर से पूरा सुपरविजन रहता है, बस यही है। आपकी पूरी टीम, पूरी टीम है। बाकी हमारे अंडर में और भी लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी टीम की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने आज तक जितने लोगों को रखा कभी किसी को निकाला नहीं अपने पास से, 10 साल हो गए तो जो लोग थे वही हैं, और एक बार कोई आता है तो जाता नहीं है। जैसे हमारे जो मेन मैनेजर्स हैं हमारे यहाँ जो काम संभालते हैं, मुस्तकीम नाम है एक है, एक मनोज राजपूत हैं हमारे यहाँ, एक अंसार खान करके हैं बाबर, वो हैं हमारे साथ। तो ये मैनेजर्स हैं, बाकी इनके अंदर में तकरीबन 40 लोग और हैं हमारे साथ जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। काफ़ी बड़ी टीम है आपकी। हाँ, लकीली सर, ये तो जानना चाहेंगे कि सर आपने इतनी बड़ी टीम,
एक दिन तो बिल्ट नहीं हुई होगी, कैसे बिल्ट हुई सर, इसका थोड़ा विस्तार से कहानी बताएंगे सर। देखिए जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया था तो अकेले ही थे, हर काम हम खुद ही किया करते थे ना, यहाँ पर स्किल्ड उस फिल्म सेक्टर में लोग नहीं थे पहले, तो हमने धीरे धीरे लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। हमने देखा कि यार ये कोई एक हमारे दोस्त हैं, ये यार ये घूम रहे हैं, इनसे पूछा यार तुम क्या करते हो, कहना यार हम तो भाई कुछ नहीं करते अभी, तो मैंने कहा हमारे साथ काम करोगे, कहना ठीक है आइए। तो ऐसे करते करते लोग आते गए, एक कोई हमारे पास केटरिंग करने आए थे, केटर थे, उनको हमने लिया, तो वो धीरे धीरे प्रोडक्शन में हमारे साथ आके जुड़ गए। एक मनोज थे हमारे एरिया में, एक बेचारा बच्चा था, वो काम करता था स्पॉट बॉय का मुंबई में, तो उसको लेके आए हम, तो धीरे धीरे उसने हमारे साथ प्रोडक्शन में ज्वाइन कर लिया। और सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, जितनी भी टीम ने हमारे साथ लोगों ने आके ज्वाइन करा, उनके अंदर सभी के अंदर एक बहुत चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि सब लोग ईमानदारी से काम करना चाहते थे, कोई किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। तो वही हमारी जो एक पॉलिसी है कि भाई हमारे क्लाइंट जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं वो ये है कि हम चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 200 के आसपास प्रोजेक्ट्स हुए हैं पिछले 10 सालों में, जिनमें से अराउंड 191 हमने किए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि क्लाइंट को हमारी चीज़ कितनी समझ में आती है और हमारी टीम, क्योंकि ये सब काम किसी एक आदमी के बस का नहीं होता है, ये पूरे टीम एफर्ट होता है। तो हमारी टीम नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ काम करा, तो आज यहाँ तक पहुँचे। जी सर बिल्कुल, आप और यहाँ तक पहुँचे और इससे बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने 2009 जब से प्रकाश झा सर यहाँ पे आना स्टार्ट हुए तब से आप लोगों ने काम शुरू किया जी, तो सर उस समय आपको क्या क्या डिफिकल्टी महसूस हुई थी? देखिए डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं आप, बेसिकली हमें कुछ आते ही नहीं था जी, हम बिल्कुल कहते हैं ना कोरे कागज है, कुछ नहीं पता हमें, लिटरली उन लोगों ने स्पून फीडिंग कराई है। प्रकाश झा प्रोडक्शन में उनके जो प्रोडक्शन कंट्रोलर है सुधीर भाई मिश्रा जी, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें बड़ा सिखाया, बिल्कुल कहते हैं ना उनकी पूरी टीम प्रोडक्शन में, जो ऋषि झा जो उनके हैं वो, उनके एक एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, डायरेक्शन में टीम थी, उन्होंने लिटरली हमें स्पून फीडिंग कराई है कि यार ये काम ऐसे करते हैं, प्रकाश जी ने छोटी छोटी चीज़ हमें समझाई है कि ये काम ऐसे करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम जो कुछ भी हैं और हम जिंदगी भर उन लोगों के शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने काम सिखा दिया हमें, क्योंकि मेरी जैसे फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, मेरी एजुकेशन तो टोटली डिफरेंट फील्ड में हुई है, मैं आई एम एन एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैंने मास्टर्स एमबीए किया हुआ है। बाकी सर आपने वहाँ पे एचआर सीखा है तभी अच्छे से टीम भी बना पा रहे हैं ये, इसका एक्चुअली नहीं, एक्चुअली उल्टा हुआ, हमने अच्छा एमबीए मैंने बाद में किया काम करना पहले शुरू किया था, तो ये कह सकते हैं कि एमबीए में कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो पहले करते आ रहे थे उसी को आपको फायदा मिला, आगे हमने उस चीज को लेके, और आपने अच्छा रिक्रूटमेंट किया एकदम, हाँ आपने स्किल पर्सन अपने पास रखे, ये बढ़िया काम भी कर रहे हैं। देखिए एक बहुत बड़ी खासियत है, इंसान जब कामयाब होता है तो वो ये सोचता है कि यार मेरा दिमाग बड़ा तेज चला इसलिए मैंने एक काम कर लिया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला जब आपके ऊपर मेहरबान होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली प्लेस होती चली जाती हैं, वो कहते हैं ना कि भाई किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है और मेहनत जाकर उसे उठ के खुलती है। नहीं एक और बात मैं आप बताऊं, हमारी कंपनी कामयाबी में यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा योगदान है जी जी, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के दूसरे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सब लोगों ने हमारा इतनी ज़्यादा मदद करी है और आउट ऑफ वे जाके मदद करी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कभी कभी तो हमने ऐसा हुआ है कि ये फिल्म हम शूट कर रहे थे गली गली चोर है रूमी जाफरी है, तो उसमें कभी ऐसा होता था कि वो डायरेक्टर कहते नहीं अपन सुबह यहाँ नहीं करेंगे वहाँ करेंगे, तो एक पार्क की परमिशन लेना थी तो हमारे यहाँ कमिश्नर नगर निगम थे मनीष सिंह जी, वो बहुत मोहब्बत करते थे, मैंने उनको सिर्फ मैसेज किया, उन्होंने मोबाइल में परमिशन दे दी कि हाँ आप कर लीजिए मैं बोल देता हूँ। तो इस तरह से लोगों ने मदद करी हमारी, तब जाके हम लोग इतने आगे आ पाए। अगर वो लोग मदद नहीं करते, आज भी ये होता है कि हम किसी काम के लिए अप्लाई करते हैं उसी दिन एक्शन हो जाता है जी, उसी दिन वो लोग करते हैं। बहुत बड़े बड़े काम ऐसे हुए हैं, जैसे एक किस्सा है राजनीति फिल्म के टाइम का, कि एक हॉस्पिटल की 2 दिन की शूटिंग थी, जो मेन फिल्म में हॉस्पिटल का बताया है वो BMHRC में करने वाले थे भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो हालांकि परमिशन ले ली थी सबको दी थी, लेकिन वहाँ कुछ NGO वाले आ गए, उन्होंने शूटिंग रुकवा दी, मतलब शूटिंग शुरू ही नहीं हुई थी, तैयारी रुकवा दी। वो पूरी यूनिट वहाँ पहुँच चुकी थी, सारे आर्टिस्ट बड़े सारे आर्टिस्ट फिल्म के वहीं थे। खैर किसी तरीके से हम एक जगह एक दोस्त थे, उन्होंने हमें बताया कि हॉस्पिटल है JK हॉस्पिटल जयनारायण चौक से जी का LNCT वालों का, वो उनसे हमारे परिचय थे, उनके पास गए, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप कर लो चले जाओ। तो जो 12 बजे शूटिंग शुरू होने वाली थी वो 2 बजे शुरू हुई, सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क पड़ा। वो पूरी क्योंकि करोत से उसको
कोलार पे शिफ्ट करना था, इतनी बड़ी यूनिट थी, उसमें 8 वैनिटी वेंट थी और जनरेटर्स और खाने का सामान सब, ड्रेस ये सब, तो वो इतनी जल्दी हो पाया मुमकिन भोपाल में हो सकता था जी, और लोगों की मदद से हो सकता था, बगैर मदद नहीं हो सकता। तो अब हम सरकार के भी और यहाँ के लोगों के भी शुक्रगुजार कि जिनकी वजह से हमारा ये कारोबार चल निकला। जी 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 सही बात है सर। अभी जानना चाहेंगे बारी बारी, सबसे पहले आपने किस फिल्म की शूटिंग करवाई थी सर? देखिए पहली फिल्म हमने जो की थी वो राजनीति थी। राजनीति थी, उसके उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए राजनीति फिल्म तो बेसिकली उस टाइम पर जो उस वक्त जो मेंटालिटी थी कुछ पता नहीं था बेसिकली, जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल कोरे कागज़ थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि एक मेला लगा हुआ है, उस मेले के हम एक हिस्सा हैं और रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। और सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी कि राजनीति में लोग आज भी बोलते हैं 8,000 लोग थे, उनको रोज़ सुबह 6 बजे सेट पर पहुँचाना होता था, आधे घंटे में उनको ब्रेकफास्ट कराना होता था, आधे घंटे में उन्हें लंच कराना होता था, प्लस जब हम शूट कर रहे थे हमारा फर्स्ट शेड्यूल था तो फरवरी में, जब आपको याद है सर्दियाँ बिल्कुल मार्च की तरफ जब इंक्लाइंड होती हैं तो धूप बड़ी तेज़ होती है, और हम कोटरा मैदान पे शूट कर रहे थे तो एक सिंगल पेड़ नहीं था उस मैदान पे कि जहां पर सर छुपा ले कोई, कह लीजिए कि हर आधे घंटे में एक आदमी बेहोश होकर गिरता था। 8,000 लोग थे और 12 बजे सुबह 6 बजे से खड़े हो, 12 बजे ऐसा लगता था सर खोलने लगाएगा, तो हर आधे घंटे में कोई गिर रहा है बेहोश होकर, कोई बुढ़े दादा गिर रहा है तो कोई गिर रहा है, तो क्या होता था जहां पर लोग गिरते थे वहां पर एकदम से भीड़ हिल जाती थी, वो जो चीज दूर से कैमरा में नोटिस होती थी। तो प्रोडक्शन ने क्या किया था सभी लोगों ने कि रोलर स्ट्रेचर्स रखे हुए थे जमीन पे, तो कोई गिरा तो उसको वहीं पर लिटाते थे, नीचे से खींचते हुए बाहर लेके आते थे, नींबू पानी पिला के बाहर वापस सेट भेजते थे उसको। तो ये बड़ा, और एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, हमारा केटरर जो आने वाला था खाने का, एक दिन वो खाना क्या हुआ, गर्मी थी, प्लास्टिक के डिस्पोजल्स में खाना पैक होकर आता था 8,000 लोगों का, तो वो खाना एक दिन क्या हुआ, क्योंकि गर्मी पड़ने की वजह से पैक गरम गरम पैक कर दिया होगा तो वो सड़ गया खाना जी। अब लोगों ने भाई खाना सड़ गया क्या, तो वहीं पर टेंट वेंट था हमारा, वहीं पर रोटियां देनी, तो आप सोच सकते हैं 8,000 लोग, एक आदमी ने अगर 4 रोटी 5 रोटियां भी एक आदमी के लिए बन रही है तो 35,000 रोटियां दली होंगी एक टाइम के खाने के लिए, तो 35,000 रोटियां, यानी कि टेंट की छत तक रोटियां दल दल के, इतनी पहाड़ लग गया था रोटियों का कि टेंट की छत तक रोटियां जा रही थी। और फिर वो लोगों को हमने, लोगों का बड़ा कोऑपरेशन रहा उस दौरान कि खाना थोड़ा सा लेट मिला उन लोगों को, लेकिन शूटिंग नहीं रुकी, शूटिंग पूरे जोश के साथ जारी रही और बहुत मज़ा आता था। राजनीति तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, मुझे लगता है जो राजनीति में कर दिया है उसको रिपीट करना कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारे लिए भी मुश्किल है। बहुत बड़ी फिल्म भी थी, क्योंकि अरे बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत मज़ा आया। आप सोच सकते हैं कि जिस भोपाल ने कभी कोई बड़ी फिल्म की शूटिंग देखी नहीं थी, वहां पर ऋतिक रोशन, अपना कैटरीना कैफ, रणवीर कपूर, नाना पाटेकर, अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, कितने बड़े मनोज वाजपेयी, इतने सारे बड़े एक्टर्स एक साथ देखने को मिल जाए लोगों को, तो मतलब जो स्क्रीन पे देखते तो वो आंखों के सामने दिख रहे हैं लोगों के, लोग अपने घरों से खाना ला ला के दे रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कोई चीज चाहिए तो लोग भाग भाग के वो चीज ला के दे रहे हैं। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों के अलावा आप एक सरप्राइज, क्योंकि जहाँ पर भी लोग, हम जितने भी लोग हमें मिलते हैं मुंबई से, वो बोलते हैं यार भोपाल बड़ा अच्छी जगह है यार, बड़ी साफ सुथरी जगह है यार, यार यहाँ कोई शूटिंग में परेशान नहीं करता यार, यहाँ लोग खड़े होकर हंगामा नहीं करते। तो हम यही भोपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती, जो आपने क्वेश्चन किया था कि कैसे इतनी शूटिंग आती हैं क्या है, इसमें हमारा जितना हाथ है वो आप कह सकते हैं कि जो है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ की गवर्नमेंट का, यहाँ के पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के लोगों का। भले ही सामने 500 लोग खड़े हों लेकिन माइक पे पीए सिस्टम पे एक बार होता था कमांड के सर आप लोग इस तरफ हट जाइए, 2 मिनट भी नहीं लगते तो वो 500 लोग उठ के दूसरी तरफ चले आते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शूटिंग्स बढ़ती रही तो लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शूटिंग को लेके एक नॉर्मल होते रहे, वाले सहज होते गए लोग। तो अब आज कोई शूटिंग होती है तो इतने लोग नहीं रुकते शूटिंग देखने के लिए, तो हम लोग रोड्स पे भी शूटिंग कर रहे हैं, इकबाल मैदान जैसी जगह पर, चौक के अंदर हमने मेन चौक के चौराहे पे जय गंगा जल की शूटिंग करी हमने। तो मतलब बड़ा ही यहाँ के लोगों का जो कॉपरेशन है वो आपको इंडिया में कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। अजय देवगन कहते हैं ना कि ये पूरा शहर फिल्म सिटी है, आप कहीं भी कैमरा लगाइए शुरू हो जाइए, क्योंकि एक यहाँ भोपाल में जगह है सेंट्रल लाइब्रेरी, वो बिल्कुल मेन सिटी में, उसी में सत्याग्रह का सेट लगाया था, वहाँ पर 12-15 दिन शूटिंग होना था और एक कोई कलाकार नहीं था, अमिताभ बच्चन साहब थे, अजय देवगन थे, अर्जुन रामपाल थे, कैटरीना, ये करीना कपूर थी, अमृता राव थी, मनोज वाजपेयी थे, काफ़ी वो तो एक 12 सेकंड के लिए भी शूटिंग नहीं रुकी, जबकि लोगों ने, काफ़ी लोगों ने डराया था कि ऐसा हो जाएगा और
एक्चुअली हम जब पुलिस से परमिशन मांगने के लिए गए तो लोग, उन्होंने कहा कि यार आप एक काम करिए, ये एरिया को छोड़ दीजिए आप। तो उनका बेसिकली कहना था कि भोपाल में कुछ भी दंगा शुरू होना है, कुछ भी गड़बड़ शुरू होनी है तो इस एरिया से शुरू होती है वो, सेंट्रल लाइब्रेरी वाला। उनका एक तरफ क्या है खसाई मोहल्ला है, एक तरफ आपका दूसरा एक और मोहल्ला है, तो वो बेसिकली क्या है कि वहाँ क्लैशेस होते रहते हैं काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सिर। बट हैरत की बात है, जो भोपाल का सबसे ख़राब इलाका है, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ वहाँ बड़ी आसानी से शूटिंग हो गई। तो आप सोच सकते हैं, पहले दिन पुलिस ने हमारे लिए, मेरे ख्याल से 100 या 150 पुलिस फोर्स हमारे लिए लगाई हुई थी। जिस दिन हम तीसरे दिन शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पुलिस थाने के 4-5 लोग घूम रहे थे और कोई नहीं था वहाँ पर। डिसिप्लिन से सब काम चलता है, डिसिप्लिन से काम चलता गया, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। कौन कौन से लोकेशन में शूटिंग हुई थी उस दौरान? देखिए फिल्म तो बहुत सही बनी है। आप जैसे अगर पर्टिकुलर सत्याग्रह की राजनीति की बात कर रहे हैं, देखिए राजनीति में हमने इकबाल मैदान था, जगदीश अरोड़ा जी हैं हमारे एक मित्र, उनका बंगला था जो मेन बंगला बताया था इनका, रणवीर कपूर का। दिलीप सूर्यवंशी जी की बहुत मदद थी, मकान उन्होंने परफॉर्म आउट मुझे 2 महीने के लिए शूटिंग के लिए दे दिया था। सबसे बड़ी बात ये उनकी, दिलीप भाई की, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये बंगला अपना फार्म हाउस प्रकाश झा प्रोडक्शन को नहीं दिया, मैंने जुल्फकार को दिया है और वो जो चाहे करें। तो वो ये उनकी मेहरबानी थी कि अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हमें ये 2 महीने के लिए मेरे नाम पे दे दी थी। तो ऐसे लोगों ने मदद करी हमारी, तो वहाँ हुआ था। उसके अलावा इकबाल मैदान था, ये कोटरा मैदान था, जो जितने वो रैली के सीन हुए वहाँ, कलियासोर जेके हॉस्पिटल पर हुआ, कलियासोर डैम पर हुआ, इस तरह कई लोकेशन थी। आरिफ नगर में हुआ जी, आरिफ नगर भी एक बड़ी ट्रिकी लोकेशन थी, वहाँ हमें हेलीकॉप्टर लैंड करना था, सारी चीज़ें थी। और आरिफ नगर को लेके भी लोग कहते हैं कि बड़ा खतरनाक एरिया है, वहाँ शूटिंग नहीं हो पाएगी, आप कैसे करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। ओरिएंटल कॉलेज में हुई थी, बट लेकिन बहुत कमाल का कॉपरेशन रहा है शहर का। और कितने दिन चली थी शूटिंग? तकरीबन पहला शेड्यूल बाबा शुरू हुआ था, पहला शेड्यूल हुआ था इसका 1 फरवरी, 1 फरवरी से शुरू 2009 से, जो 7 मार्च तक चला था। दूसरा सितंबर गया था, फिर दूसरा 5 सितंबर से शुरू हुआ था, तो 5 नवंबर तक चला था 2 महीने में। इस तरह तकरीबन 90-95 दिन में फिल्म पूरी हुई थी। 95 दिन में थी। और भोपाल में अधिकतर शूटिंग हुई थी। प्रकाश जी पूरी ही भोपाल में जी जी बहुत फास्ट करते हैं प्रकाश जी, और इतने बड़े क्राउड को चलाना ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता प्रकाश जी के अलावा मैंने किसी डायरेक्टर को देखा है इतने बड़े क्राउड को मूव कराते हुए और एक आवाज पे। बहुत बहुत कमाल है उनका, तो उनका लीडरशिप तो अलग ही है। तो सर फिर उसके बाद फिर कौन सी फिल्में आई उसके बाद? उसके बाद आरक्षण आई उनकी जी, फिर चक्रव्यूह करी थी कुछ 12-15 दिन भोपाल में की थी, बाकी फिर पचमढ़ी में की थी 2 महीने जी। फिर उनकी सत्याग्रह आई थी, सत्याग्रह के बाद प्रकाश जी की फिल्म आई, उनकी प्रोडक्शन की 2 फिल्में आई, एक फ्रॉड सही आई जिसमें अरशद वासी थे, और दूसरी फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जी। इसके तो उसके बाद उसकी सातवीं फिल्म जो शूट हुई थी वो थी जय गंगा जल, प्रियंका चोपड़ा। इसके अलावा बाकी बाकी दूसरे प्रोड्यूसर्स आए, क्या नाम से, गली गली चोर है, सिंह साहब द ग्रेट है, अनिल शर्मा जी की, और अनिल शर्मा जी की फिल्म आई सिंह साहब द ग्रेट, यारा आई तिग्माश धुलिया की, फिर हमने जबलपुर मोहन जोदारो को शूट हुआ था, ऋतिक रोशन जिसमें थे, मोहनजोदारो का सीन हो जो पता मगरमच्छ सीन वाला था वो हमारे जबलपुर में शूट, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? हाँ वही, उसका ये पता कि वहाँ पर नर्मदा में करना था, तो कुछ लोग आ गए थे कि साहब ये धार्मिक भावनाएं जुड़ी हम नहीं करने देंगे, मगरमच्छ नहीं मारने देंगे, ये नहीं करेंगे, खैर उनको रोका। फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेज दिया था कि आप ये वाइल्ड लाइफ के खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर उनको समझाया कि देखिए ये जो फिल्म बन रही है मोहनजोदड़ो, ये उस जमाने की कोई वाइल्ड लाइफ वगैरह कुछ था नहीं था, वो बेसिकली आशुतोष गवादी कर दिए, वो मगरमच्छ वहाँ से डमी बना के लाए थे, डमी ट्रक में रख के लाए थे, उसी से हुआ था। लेकिन वहाँ जबलपुर के लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया था, वहाँ हमारे एक दोस्त हैं विप्लव अग्रवाल, उन लोगों ने और 2-3 लोगों ने मिलकर बहुत कोऑपरेट किया था, तो वो शूटिंग वहाँ आराम से हो गई थी 7 दिन। हालाँकि एक जबलपुर के लिए था कि बहुत दिन बाद में कोई बड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और ऋतिक रोशन जैसा स्टार आ रहा था, पर आसानी से हो गया था। जबलपुर के एक्चुअली वो केस भी था, एक्चुअली परेशानी शूटिंग, उसके वजह से शूटिंग नहीं रुकी कभी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये रही कि जो ये केस हुआ था वो आप इंडिया की एक बड़ी खासियत है, कहीं पर भी जाएंगे तो हर आदमी चाहता है कि यार मैं एक्टर के साथ मैं खाना खा लूँ या एक्टर के साथ मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि यार अब एक्टर वहाँ शूट करने जब आता है तो सभी के साथ वो फ़ोटो करवा ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता।
तो कुछ के साथ होती हैं, कुछ के साथ नहीं हो पाती हैं, तो जिनके साथ नहीं हो पाती हैं तो वो कुछ ना कुछ करते हैं उसके लिए। तो उसी का रिजल्ट ये था कि हमारे पास तरीके के नोटिसेस आए, बट वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इतना स्विफ्टली एक्शन लिया कि हरिरंजन राव जी हैं, IAS ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म में MD भी हैं और CM साहब के सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने उनको सिर्फ उनकी नॉलेज में ये बात गई कि साहब ऐसी ऐसी हमें परेशानी आ रही है, विद इन 10 मिनट्स जिनकी तरफ से हमें ये परेशानी आ रही थी उनकी तरफ से कई सॉरी के फ़ोन आए कि आप शूटिंग कीजिए, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। वहाँ मोहनजोदड़ो भी बहुत बढ़िया तरीके से शूट हुई, आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखेंगे तो ओपनिंग सीक्वेंस में भेड़ाघाट जबलपुर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। अब क्या है कि सरकार भी इस चीज़ को समझती है कि एक फिल्म जब आ रही है इसका मतलब क्या है, फिल्म आना यानी कि आपके स्टेट में रेवेन्यू जनरेट होना, आपके लोगों को रोजगार मिलना, आपके यहाँ टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होना। कितने लोग अपने यहाँ ऐसे हैं जो राजनीति फिल्म के आने के बाद एक्टर बन गए? जी सही बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कैमरामैन बनना चाहा, किसी ने डायरेक्शन बनना चाहा, तो एक टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हुआ, कल्चरल एक्सचेंज हुआ। इसके अलावा हमारे स्टेट को टूरिज्म को कितना फायदा पहुंचा? जी सही बात है। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं कि एक फिल्म जब आती है तो वो कितने लोगों का भला करके जाती है, कितने लोगों का फायदा पहुंचा के जाती है। तो सरकार इस चीज को समझ रही है। आजकल गवर्नमेंट ने जो टर्म्स यूज कर रहे हैं फिल्म टूरिज्म वर्ड को यूज करने लगेंगे, तो आप देखते हैं जब इसराइल, अभी इसराइल के प्रेसिडेंट आए थे तो वो एक करार करके गए इंडिया के साथ जिसमें एक करार था फिल्म टूरिज्म का। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिलके, एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को अगर फिल्म टूरिज्म को लेकर बात कर रहा है तो वो मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट होगा कि उसको हाईलाइट किया जा रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। तो उसी की इंपॉर्टेंस अब स्टेट समझ रहे हैं, सभी इंडिया में बाकी स्टेट्स भी आगे आ रहे हैं फिल्म टूरिज्म को लेके, और मध्य प्रदेश को रिसेंटली मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का नेशनल अवार्ड भी मिला है अभी पिछले साल हमें, अभी इस साल फिर हम कोशिश कर रहे हैं उसी अवार्ड के लिए। अच्छा, और लोगों का ख्याल होता है कि नेता लोग या ब्यूरोक्रेट्स लोग परेशान करते होंगे आपको कि फिल्म एक्टर को मिलवाओ करो, मध्य प्रदेश में वो भी नहीं है। जी जी, एक सुनाता हूँ आपको, कुछ जिनके कॉलेज में शूटिंग कर रहे थे वो साहब लेके हमें CM साहब के चले गए। CM साहब आए तो चिल्ला कहिए कैसे आना है, तो उन्होंने कहा साहब हमारी शूटिंग चल रही है, आप देखने आए कल, कल या परसों जब आपको वक्त हो, अमिताभ बच्चन आए हुए हैं और सैफ अली खान हैं। तो इतना सुलझा हुआ जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा शूटिंग में आके, मेरे आने से शूटिंग रुकी जाएगी आधा घंटा, लोगों का नुकसान होगा, मैं तो यहीं से मेरा सपोर्ट है और प्रकाश जी मेरे दोस्त, कोई बात होगी तो मुझे फ़ोन कर लेंगे, नहीं तो कोई और होता तो कहता नहीं नहीं बिल्कुल कल आते हैं, और वो उनके आने से आधा पौन घंटा शूटिंग बंद हो जाती है और प्रोड्यूसर का नुकसान होता है। सही बात है। उस चीज़ को उन्होंने शिवराज जी ने समझा, उन्होंने क्या और इतनी फिल्मों की हमने शूटिंग कराई वो कभी नहीं आए, ना उनकी कोई परिवार से कोई आया, ये बड़ी बात है। नहीं तो लोग अक्सर दूसरी जगह जाओ तो ये प्रॉब्लम बताती है। सर, आपने गंगाजल अभी शूट करवाई थी कुछ दिन पहले, सालों पहले, तो उसके बारे में कोई ऐसी वाक्य जो यादगार? जय गंगाजल के दौरान देखिए यादगार तो काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है, और क्योंकि जब आप पूरे एक सर्कस को अपने साथ लेके चलते हैं, 300-400 लोगों की यूनिट होती है, कई 50-60 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक्स होते हैं, सब चीज़ों को साथ में जब लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें होती रहती हैं। जय गंगा जल को लेके सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे याद है, हम लोग चौक के मेन चौराहे पे शूट कर रहे थे। वो चौराहा ऐसा है जो मतलब कह लीजिए चौक मार्केट, यानी कि पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, अगर वो चौराहा रुक गया तो पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। लेकिन वहाँ के जो व्यापारी संघ था वो सब लोग आए, यहाँ की लोकल पुलिस थी, सब आई, उन्होंने वो प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस आप सोच सकते हैं मेन चेयर के अंदर, एक मिनट के लिए दिक्कत नहीं आई। वहाँ पर सभी लोगों ने इतना कोऑपरेशन दिया, मेन चौराहे पे हमने शूट किया, सब करा, कोई दिक्कत नहीं आई। और बहुत अच्छा ये सभी लोग जितने भी थे शूटिंग वाले वो सब पार्ट बन गए एक तरीके से, जितने भी दुकान वाले थे सब उसका एक हिस्सा बन गए आके, तो बड़ा बहुत अच्छा एक। और सभी एक्टर्स इवन प्रियंका चोपड़ा वो इतनी खुश थी उस चीज़ को देख के यार, कि यार मैं सोच रही थी कि हम मार्केट में शूट करने वाले हैं, यहाँ तो इतनी भीड़ आ जाएगी, आप UP वगैरह में जाइए शूट करने के लिए, तो वहाँ 15,000 लोगों का गांव शूटिंग देखने आया था, तो उसके बाद शूटिंग नहीं हो पाती, शूटिंग ही बंद करनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ मेन शहर के चौराहे पे जो सबसे बिजी चौराहा है वहाँ पर शूट हुई, इतनी अच्छे से करी है हमने वहाँ पर, तो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ का लोकेशन थे सर इसके? जय गंगा जल हमने काफ़ी जगहों पर करी, एक बंसल सोया फैक्ट्री है मंडीदीप में, वहाँ एक बहुत मेजर सीक्वेंस हुआ था, हमारा क्लाइमेक्स वहीं पर था। देन हमारे क्या नाम से चौक मार्केट हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, रिजवान बाग में सेट लगा था फिल्म का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी हमारी। इसके अलावा और भी कॉलेजेस वगैरह थे, आई थिंक IAS कॉलेज था, उसमें किया था हमने।
ऐसे करते, फतेहगढ़ वहाँ किया था हमने, आपका हमीदिया हॉस्पिटल में किया था हमने सीक्वेंस एक, तो ऐसे करते करते बहुत सारी लोकेशन थी तकरीबन, बिलकिसगंज जागरिया था गांव था वहाँ हमने शूट किया था, तकरीबन 52 लोकेशन थी इन टोटल जहाँ पर हमने शूट किया, बहुत ही ज़्यादा मोस्टली भोपाल में थी। जय गंगा जी 100% फिल्म में शूट, मतलब ये जो प्रकाश जी ने जितनी भी फिल्म बनाई वो 100% शूटिंग भोपाल की ही रही। चक्रव्यूह हमने पछोनी करा था, पछोनी वो मध्य प्रदेश है, अपने भोपाल ही काउंट होगा। हाँ, अब ये जानना चाहेंगे से कि अपने भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में और कौन कौन से इलाके में आपने शूटिंग करवाई है? देखिए मैंने भोपाल में तो किया ही किया है, इंदौर में हमने शूट किया है, हमने महेश्वर में शूट किया है, हमने मांडू में शूट किया है, हमने धार में शूट किया है, हमने खंडवा में शूट किया है, इसके अलावा खजुराहो में शूट किया है, हमने हमने ओरछा में शूट किया है, दतिया में शूट किया है, हमने अभी रिसेंटली एक फिल्म मैंने करी है श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के साथ चंदेरी में शूट किया है हमने, इसके अलावा जबलपुर में शूट किया है हमने, इसके अलावा हमने कान्हा नेशनल पार्क में शूट किया है, इसके अलावा अगर आप ग्वालियर में शूट किया है हमने, भिंड में अटेर में एक मैं रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री करके आया हूँ, तो मतलब मान के चलिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से तकरीबन सभी जगहों पर मैं सागर के आसपास मैंने शूट किया है, तो काफ़ी जगहों पर मतलब करना हुआ। और प्रॉपर अब मेरी कोशिश ये है कि देखिए भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर ये चार मेजर सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, यहाँ तो शूट होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में इनसे हटके भी बहुत कुछ मौजूद है, जैसे कि हमने रिसेंटली चंदेरी एक्सप्लोर करा, तो चंदेरी एक बहुत ही कमाल लोकेशन है, बहुत अमेजिंग जगह है, लोग बहुत प्यारे हैं वहाँ के, मध्य प्रदेश के इनफैक्ट मध्य प्रदेश के सभी लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, तो बहुत मज़ा आया वहाँ, सभी जगह हमने करा तकरीबन मान के लिए तकरीबन पूरा मध्य प्रदेश कवर किया हुआ है। बस क्या है कि कुछ तकलीफें हैं, जैसे कि कई जगहों पे हम मध्य प्रदेश में हमारे पास एयरपोर्ट थोड़े कम है हमारे पास, तो कई जगहों पे पहुंच की दिक्कत रहती है, कई जगहों पे होटल्स नहीं मिल पाते, तो इस वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, बट मे बी इन कमिंग फ्यूचर हम लोग वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे। लाइन प्रोडक्शन क्योंकि आपने इतनी फिल्में कर ली हैं जी, क्योंकि आपको कंपेरेटिव स्टडी करके बाहर भी मिलता हो कि बाकी स्टेटों से अपना मध्य प्रदेश सबसे अच्छा कैसे है। देखिए पहली सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इन्वायरमेंट मौजूद है, जिसमें कि जैसे कि जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट सुनने में बड़ी छोटी सी चीज़ लगेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक लोगों का टाइम पे आना। अगर जैसे मैंने 8000 लोग राजनीति में हमने बताया था, अगर वो 8000 लोग नहीं होते तो क्या शूटिंग हो पाती हमारी? तो वहाँ लोकल के जो लोग ट्रेंड हुए हैं एज जूनियर आर्टिस्ट, थिएटर हमारे यहाँ का बहुत रिच है, हमारे यहाँ से आर्टिस्ट काफ़ी सारे मिल जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे यहाँ। इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक से ले, मतलब वहाँ से जो पूरा कॉपरेशन मिलता है, वो आप जाइए मुंबई में शूट करने की कोशिश करिए, दिल्ली जाइए, यूपी जाइए, आप एक पुलिस कांस्टेबल आके आपकी शूटिंग रुकवा देगा वहाँ पे। वो आएंगे कहेंगे चलो बेटा पैक करो, कुछ नहीं करना, ये परमिशन दिखाओ, वो परमिशन दिखाओ, आपके पास होगी उसके बाद भी आपको करने में तकलीफ आएगी। यहाँ पर इतना अच्छा कॉपरेशन सिस्टम है कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पुलिस अधिकारी, हम पहली चीज़ हम सारी चीज़ें हमारे साथ लीगैलिटीज़ हमारे साथ क्लियर रहती हैं, परमिशन सब हमारे पास होती हैं, तो रेगुलर बेसिस पे एसपी हमारे सब जो होते हैं हमसे रेगुलर अपडेट में रहते हैं कि भाई आप आज आप कहाँ शूट कर रहे हैं, कल आप शूट कहाँ करने वाले हैं, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, कलेक्टर हुए, एडीएम हुए, ये लोग आपके कलेक्टर साहब हुए, सब लोग इतना कॉपरेशन देते हैं यहाँ पर, तो वो एक बहुत मेजर रीज़न। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एनवायरमेंट हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का मौसम अच्छा है यहाँ का, आप देखेंगे कि यहाँ शूट आप जैसे मुंबई में जब आप शूट करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें समझने वाली कि ह्यूमिडिटी बहुत है, जब आप आउटडोर करने आते हैं तो ह्यूमिड आती है, तो हर 15 मिनट में आपका मेकअप खराब होता है आर्टिस्ट का, ठीक है, भोपाल में वो दिक्कत नहीं है, ह्यूमिड की दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर हर तरीके की लोकेशन मिल जाती है, यहाँ पर आपको तालाब भी मिलेंगे, लेक्स भी मिलेंगी, आपको जंगल भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको डीबी मॉल भी मिलेगा, यहाँ पर आपको मतलब के लिए जो अर्बन और रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हेरिटेज बिल्डिंग्स, फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, पहाड़ वगैरह, झरने वगैरह सब कुछ मिलता है, तो मतलब और सबसे बड़ी चीज़ मुंबई से एक रात की डिस्टेंस पे, दिल्ली से एक रात की डिस्टेंस पर है, फ्लाइट कनेक्टिविटी हमारे यहाँ अच्छी है, ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हमारे यहाँ अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर जैसे कि हर जगह फिल्म सिटी से गोरखपुर में भी एक फिल्म सिटी बन रही है जी, तो क्या भविष्य में क्या अपने मध्य प्रदेश में भी कोई फिल्म सिटी बनने के है आसार? जी बिल्कुल, कोशिश तो जारी है उस चीज़ के लिए, होनी चाहिए एक फिल्म सिटी जहाँ पर कि डेडिकेटेडली लोग सेट लगाएं, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहें, होनी चाहिए एक चीज़। अभी जैसे कि पापा ने बताया अजय देवगन आए थे, जो भी एक्टर्स आते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स आते हैं, वो कहते हैं यार भोपाल ही एक तरीके से फिल्म सिटी है यार, यहाँ तो हम जहाँ चाहे शूट कर लेते हैं, लेकिन हाँ एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक फिल्म सिटी होनी चाहिए। सर जैसे कि आप सब लोगों ने इतनी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग करवाई है, तो आप लोगों के पास एक समस्या सबसे ज़्यादा आती होगी कास्टिंग से रिलेटेड, हर कोई बोलता होगा कि हमें रोल दे दो, हमें रोल दे दो, आप इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिल्म के अंदर जब भी कोई रोल ऑब्वियसली आप जाते हैं, लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है कि एक्टर्स हैं, इनके साथ काम करना है, फिल्म में हिस्सा बनना है,
हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं भोपाल वाले जो हैं, हमारे यहाँ थिएटर अपने आप में इतना रिच है, हर दूसरा आदमी कलाकार है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली फिल्म मेकर का मेन एजेंडा ये होता है कि भाई जो एक्टर को हम कास्ट कर रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट ना करे, ये हमारे साथ शूटिंग अच्छे से कर ले, इसको एक्टिंग आती हो। तो ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जोड़ते हैं जो जो लोग ऑडिशन के लिए, हम तो प्रॉपर ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो और जो भी आता है कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है, कि वो जो नहीं फिट हो पाते वो उस बात को समझ जाते हैं। सर, मैं दर्शकों से और खासकर उन कलाकारों से जो क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके रास्ते नहीं पता है कि फिल्म लाइन में कैसे पहुंचा जाए, तो थोड़ा सा आप उनका मार्गदर्शन करेंगे किसके थ्रू ऑडिशन कैसे करके और कैसे तैयार होकर इस लाइन में आया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, पहले आप MBBS पढ़ते हैं, MD करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से एक्टर भी अगर आप सीख के आएंगे जी तो आपके लिए स्कोप ज़्यादा है। जी यहाँ काम की कमी नहीं है, काम बहुत है, लेकिन आपके पास सीखे हुए लोगों की कमी है। तो अगर आप सीख के आएंगे तो आपका स्कोप ज़्यादा बढ़ता है। आप सीखने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप भोपाल लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमारा ऑलरेडी थिएटर में इतना रिच है भोपाल, इतने अच्छे अच्छे थिएटर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम भी कोशिश में है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ लेके आएँ कि आप हमारे यहीं आके सीखें, यहीं पर आके काम करें, आगे बढ़ें। कुछ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हम वर्कशॉप्स हमें ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, तो वो वर्कशॉप्स ही हम करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और बेहतर तरीके से सीखना तो NSG है दिल्ली में, वहाँ के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। MPSD है अपने मध्य प्रदेश में, ड्रामा स्कूल जो है वो है, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, FTII है, जो FTII में आई थिंक एक्टिंग तो कोर्सेज के लिए लेना बंद कर दिया है जितने मेरी जानकारी में है, अगर है तो FTII भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा विस्लिंग वुड्स है सुभाष भाई साहब का, अनुपम खेर साहब की एक अकेडमी है, नमित कपूर साहब है उनकी एक अकेडमी बड़ी अच्छी है मुंबई में। तो सीखने वाले के लिए और उससे भी बड़ी चीज जो सीखना चाहता है, भोपाल में ग्लैमर जोन जावेद खान, जावेद खान साहब की बड़ी अच्छी एकेडमी है। तो सीखने वालों के लिए जगहें काफ़ी सारी हैं, बस ये है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए सीखने का और उसे प्रोफेशनली करें, टाइम पास ना समझ के ना करें इसको। ये बहुत लोगों का पैसा लगा होता है एक फिल्म में, इतने लोगों का टाइम लगा होता है, इतना दिमाग लगा होता है, और अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो उस चीज़ को समझ के आएँ, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म अगर आपके अंदर है तो आपको काम जरूर मिलेगा। शॉर्टकट कोई नहीं होता है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई बिना सीखे या बिना कुछ इस तरीके से करें हम आ जाएं, तो जो चीज़ जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। ये तो आपको एक्सपीरियंस भी हो, कितने लोग आए और कितने लोग चले, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है आपको कोई एक कैरेक्टर मिल जाए, आप उसे बड़ा अच्छे से निभा दें, लेकिन आप सीखे हुए नहीं है अगली फिल्म में आप फेल हो जाएंगे। जी सर, आप लोगों ने अपना बड़ा कीमती समय हम लोगों को दिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको बताई, जो एक आम लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं ऐसे ही आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हमारा ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। अरे बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका, धन्यवाद।